सात बार सेवन ओकेजन्स उन्होंने इस सदन में क्वेश्चन आवर बाकी के सभी बिजनेस स्टॉप करके सात बार समय दिया गया है। उसी तरह क्वेश्चन आवर स्टॉप करके दस ओकेजन पे उन्होंने इस पे चर्चा ऐसे विषय पे 267 पे चर्चा करने के लिए समय दिया गया है। और हमारी गवर्नमेंट जब थी उस वक्त के भी बहुत है, ये तो आने के बाद डेमोक्रेसी में इनका कम विश्वास है और बात करने में इनका ज़्यादा विश्वास है। देखिए मनमोहन सिंह जी जब थे तब इन लोगों ने एक यही शायद नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक समय आया था, उसमें उन्होंने खासकर वेंकैया नायडू ने एक क्वेश्चन पूछा था उस वक्त अगस्त 17, 2012 को। क्या है क्वेश्चन आवर? क्वेश्चन आवर वाज सस्पेंडेड बाय द चेयरमैन टू टेक अप द डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ अटैक्स ऑन माइग्रेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन द लाइट ऑफ द रिक्वेस्ट मेड बाय द मेंबर्स। ए वेंकैया नायडू एक उठाए थे सवाल, तो सभी क्वेश्चन आवर क्वेश्चन सस्पेंड करो, बिजनेस सस्पेंड करो, इसको इम्पोर्टेंस देकर आप चर्चा शुरू करो। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस चर्चा में पार्टिसिपेट किए और उन्होंने उत्तर दिया। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास है, समय नहीं है और आपको भी उतना समय नहीं है जिसको ग्रहण कर। इतने हमने जो प्रेसिडेंट हैं या पीछे के जो नेताओं ने कहा है, वाजपेयी जी भी कहे हैं और वाजपेयी खुद ही ये कहते थे कि इस क्वेश्चन और सस्पेंड करके इसको चांस देना चाहिए बोलने के लिए। और जब नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग, उनके नेता लोग भी इसी सवाल पे कई बार मुद्दे उठाकर वो प्रश्न क्वेश्चन आवर और बाकी चीज़ें सस्पेंड करके लिए हैं, तो ये आज यहाँ पर हमको धमकाया जा रहा है और हमको कहा जा रहा है कि अगर आप बार बार ऐसे उठे तो आपको बड़ी शिक्षा मिलेंगी। ये कौन कर रहे हैं? चेयरमैन के मुंह से सरकार करवा रही है। सरकार अगर ये बातें नहीं करती तो नहीं होता था। और दूसरी चीज, एक हमारे सीनियर वो ये राज्यसभा मेंबर श्रीमती रजनी ताई पाटिल, उसको सस्पेंड किया गया एक सेशन में, एक सेशन के लिए। अब ये दूसरा सेशन चल रहा है फिर भी उसका रिवोक नहीं हो रहा। क्या डेमोक्रेसी है? ये तो डिक्टेटरशिप है। मैं तो ये कहूंगा कोई कुछ भी बोलने दो, ये तो हिटलर शाही है। तो इसीलिए मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे भी थोड़ा अनुभव है। हमेशा मैं पार्लियामेंट में सुबह से शाम तक बैठने की मुझे आदत है, सुनने की आदत है, लेकिन इसको भी कभी हम नहीं भूलना चाहिए कि हम बैठते इसलिए कि विचार दूसरों के सुनने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब हम बात करने के लिए उठते हैं तो अपोजिशन पार्टी की बात को वो अपोज करते हैं और रूलिंग पार्टी वाले उठ के चिल्लाते हैं नो माय और मेरा माइक बंद करते हैं। बोलने के लिए इजाजत तो एक बार कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।